मैं वहाँ पे था तो बहुत सारे पेरेंट्स मतलब एट्थ क्लास के नाइन्थ क्लास के टेंथ क्लास के एलेवंथ क्लास के काफ़ी लोग मुझसे मिलते थे आई वॉज इंटू एन अकेडमिक काउंसलिंग वर्क तो मैं अकेडमिक काउंसलिंग के अंदर था तो काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे एक कॉमन चीज़ बताते थे कि सर जो चीज़ें यहाँ पे राज छुपे हुए हैं ना कोटा के अंदर वो जो राज हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है बहुत ही एक्सक्लूसिव है मतलब वो यहीं पे आगे पता चलता है और मतलब मैंने खुद ने पेरेंट्स से पूछा लाइक आई वॉज इन कोटा मैं कोटा का ही हूँ तो मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि अच्छा ये राज है राइट right? मुझे जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस लगती थी वो पेरेंट्स ये बोलते थे कि ये तो हमें सर आज पता चलिए तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी ठीक है तो फिर मैंने बच्चों के साथ चार पाँच साल का टाइम स्पेंड किया एंड लास्ट ईयर मैं लास्ट ईयर में मैंने अपना खुद का यूट्यूब भी स्टूडेंट्स जो, तो okay, जो बच्चे मैथमेटिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में और उनको एक थ्रिल चाहिए लाइफ में तो ये एक बहुत अच्छी चीज है पेरेंट्स मुझसे पूछते थे जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सर हम बच्चों को स्टार्ट कैसे कराएं राइट और क्या एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है सेवन्थ क्लास में एट्थ क्लास में नाइन्थ क्लास में क्या स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ले सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ओरिएंट कर सकें करियर एग्जामिनेशंस के लिए तो वहाँ से मैंने एक अच्छे से पिच बनाने की कोशिश की और एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की जो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरा नाम है प्रशांत जैन और जैसा मैम ने इंट्रोड्यूस किया आ, मुझे पी एस वाई सर के नाम से जानते थे जब मैं कोटा में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में था और अब मैं आ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो अब मुझे पीजे सर के नाम से जानते हैं मेनली बिकॉज ऑफ माई इनिशियल्स आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आई आई बॉम्बे टू में मेरी ए आई आर फोर्टी टू आई थी उसके अलावा आई एन सी एच ओ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आई एन पी एच ओ क्वालिफाइड हूँ एन टी एस सी स्कॉलर हूँ और उसके अलावा भी रिसेंटली एक पी टी ई टी का एक एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मेरी ऑल राजस्थान रैंक लेवल पे फर्स्ट रैंक आई थी तो पॉइंट Uh, ये चीज़ है मतलब ये सब चीजें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि एक क्रेडिबिलिटी सेट हो सके कि यू आर लिसनिंग टू अ करेक्ट पर्सन हु हैज एक्चुअली लिव्ड एवरीथिंग दैट यू वांट टू लिव नहीं जो भी किसी भी एक स्टूडेंट के एस्पिरेशन होते हैं उन एस्पिरेशन को uh, मतलब मैंने एक तरह से जिया हुआ है तो मैं जब भी अपनी बात कहता हूँ तो मैं अपनी स्टोरीज के थ्रू ही कहता हूँ तो आज का जो मुद्दा है दोस्तों आई होप लाइक पेरेंट्स आर ऑल्सो हेयर सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल एग्जामिनेशन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मैं प्री आर के बारे में बात करने वाला हूं तो आप लोगों को ये चीज तो ऑब्वियसली पता है कि जो फिजिकल फिटनेस का जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा एक, एक तरह से टेस्ट होता है वो है ओलंपिक्स हर कोई पर्सन ओलंपिक्स को लेकर बहुत सीरियस होता है हम लोगों ने दबंग मूवी देखी है यही सपना होता है कि यार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आए ठीक है तो उसी तरह से मेंटल फिटनेस को एग्जिबिट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं उनमें से एक जैसे ओलंपिक्स के अंदर एथलेटिस, एथलेटिक्स होता है लॉन्ग जंप होती है हाई जंप होती है उसी तरह से इंटरनेशनल मेंटल ओलंपियाड भी बोल सकता हूं जिसमें सब्जेक्ट्स की प्रोफिशिएंसी चेक होती है तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स उसमें से एक है तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा आज के वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्या क्या चीजें पता चलेंगी ये हमारी आउटलाइन है क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा हाउ मैथमेटिक्स इज कन्वेंशनली किस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्या है के के बारे में मैं बताऊंगा बताऊंगा आपको टारगेट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये और फिर जो मेरी बुक है वो आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकती है we'll so, मैथमेटिक्स की बात करता हूँ मैथमेटिक्स को हम लोग दो तरीके से देखते हैं एक होती है रूटीन मैथमेटिक्स या फिर मैं कह सकता हूँ करिकुलर मैथमेटिक्स और एक होती है हमारी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिसमें मैथमेटिक्स का जो रियल फील है ना वो इसी के अंदर आता है है ठीक तो अब मैं रूटीन मैथमेटिक्स की बात करना चाहता रूटीन मैथमेटिक्स के अंदर जैसे लेवल पे अगर मैं की बात करूं तो एन टी एस सी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें रूटीन मैथमेटिक्स पूछी जाती है जैसे नाइन्थ और टेंथ क्लास का जो स्कूल में सिलेबस होगा उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अलावा जो प्राइवेट ओलंपियाड्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कराती हैं

फिर इसके अंदर क्या होता है रूल्स होते हैं। बट देन ब्यूटी ऑफ क्या स्किल्स ओके प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो डेवलप होता है बच्चों के अंदर वो मैथमेटिक्स के थ्रू ही होता है और वो सबसे अमेजिंग तरीके से कवर होती है नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के अंदर

2007 के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं और जो टेंथ क्लास या टेंथ क्लास से पहले के हैं वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है इस साल ये एग्जामिनेशन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर को डिक्लेयर किया गया है अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टूगेदर बट इट इज सपोज टू गेट हैपन ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर सेकेंड अगर मैं बात करूं केवीपीवाई केवीपीवाई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स देते हैं केवीपीवाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके थ्रू हमें आईआईएससी के अंदर एडमिशन मिलता है जो बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईआईएससी होता है और आई के लिए एडमिशन टेस्ट है केवीपीवाई इट इज ऑल्सो ए स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन एंड द बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट क्योंकि इसके अंदर पर मंथ फाइव थाउजेंड तक की स्कॉलरशिप मिलती है और एनुअल एनुअल्यूएंसी ग्रांट भी मिलता है इसके अंदर जो मैथमेटिक्स का लेवल लेवल आता है वो नॉन रूटीन पे से थोड़ा सा टफ आता है फिर आता है प्री आर प्री आर क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑलम्पियड जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बट ये एग्जामिनेशन केवीपीवाई से टफ होता है तो एनएसीजेएस फिर केवीपीवाई और फिर प्री आर एमओ तो ये तीन टफनेस लेवल मैं इनिशियल बताता हूं बच्चों को कि भाई ये तीन टफनेस लेवल और अगर आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ये तीन एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं प्री आर एमओ के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एनएसई जेएस और केवीपीवाई के बारे में आप लोग समझ गए होंगे एट्थ नाइन टेंथ के लिए जनरली एनएसजेएस है इलेवन ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए केवीपीवाई है केवीपीवाई की भी जो अनाउंस्ड डेट है वो फर्स्ट ऑफ नवंबर है फर्स्ट ऑफ नवंबर को ये एग्जामिनेशन होने वाला है इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इसको दे सकते हैं बाकी प्री आर के बारे में अगर हम बात करें तो प्री आर अभी Uh, मतलब अगस्त में होना चाहिए था बट इसकी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है तो अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा आई एम ओ के स्टेजेस बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है मतलब बहुत सारे बच्चे बचपन से मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होती है कुछ अबैकस करते हैं कुछ वैदिक करते हैं अलग अलग तरीके से पेरेंट्स बच्चों को मैथमेटिक्स की ओरिएंटेशन देने की कोशिश करते हैं बट ये जो स्किल्स हैं अबैकस हो गया वैदिक हो गया ये अच्छी स्किल्स हैं और इससे हेल्प भी मिलती है बट इसका होती हैं बहुत सारी नेशनल स्पोर्ट्स के लिए उसी तरह से एच बी सी एस सी एक अकेडमी है जो सारे बच्चों को सेलेक्ट करती है इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए तो उन्होंने मैंडेट दे रखा है एम टी ए मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कि आप पहला स्टेज कराइए पहला स्टेज होता है प्री आर फिर उसके बेसिस पे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा फिर सेकंड स्टेज होता है आरएमओ फिर थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज के बाद भी फिर कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं थर्ड स्टेज होता है आईएनएमओ एन इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फिर वहां से थर्टी फाइव के करीब बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो ट्रेनिंग कैंप पे जाते हैं और वहां से फाइनल बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ कहाँ पर तीन मेजर चीज है इंडियन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एशिया पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड एपीएमओ और गर्ल्स सेलेक्ट uh, होती है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए तो ये तीन मेनली uh, ये तीन ब्रॉडली uh, ऐसी चीज है जहां पे सेलेक्ट uh, होते हैं बच्चे uh, इससे आईएमओटीसी के बाद ठीक है तो मैं देखिए अगर मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा इन सब चीजों की तो काफी टाइम हम लोग को लग जाएगा मेन फोकस हमारा इस चीज़ पर है कि बच्चे स्टार्ट कैसे करें राइट अर्ली स्टार्ट कैसे हो कैसे स्ट्रेटेजाइज करें तो आई एल बी मेनली टॉकिंग ऑन फॉर प्री आर एम ओ तो प्री आर एम ओ बेसिकली एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है पूरे इंडिया में एक ही पेपर आता है बट इसमें सिलेक्शन रीजन वाइज होते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंडक्ट कराती है उसने रीजन बना रखे हैं थर्टी रीजन तो जैसे नॉर्थ बिहार एक रीजन है साउथ बिहार एक रीजन है राइट right. राजस्थान पूरा मिला के एक रीजन है महाराष्ट्र गोवा एक रीजन है मुंबई अलग रीजन है तो ऐसे पूरे थर्टी रीजनों इन्होंने बना रखे हैं हर रीजन के अंदर थ्री हंड्रेड सीट्स है एट्थ क्लास से क्लास के बच्चों के लिए अब आप इमेजिन कीजिए कि और इलेवेंथ क्लास के बच्चों सबका सेम पेपर आता है तो जनरली एक थॉट प्रोसेस यही रहता है कि यार इलेवंथ के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते होंगे बट सरप्राइजिंग ये है कि एट्थ से टेंथ के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं क्योंकि इलेवंथ वाले क्लास के जो बच्चे होते हैं ना उनका जो माइंड होता है वो जेई की तरफ होता है तो

हंड्रेड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एट से लेकर इलेवंथ तक तो फाइव स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे और ट्वेल्थ में अगर हंड्रेड स्टूडेंट किया पार्टिसिपेट किया तो एक स्टूडेंट उनमें से सेलेक्ट हो जाएगा तो ये फाइव परसेंट और वन परसेंट का जो रेशियो है वो एट से इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास का है और ये ऑल इंडिया कोटा है जे के पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल हैं उनका इतना कोटा है के के भी पूरे इंडिया में जितने स्कूल हैं उनका इतना कोटा है तो टोटल मिला के जो आ, मेरी मैथमेटिक्स uh, कहती है टोटल मिला के ट्वेल्व थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड तक इसमें सीट्स होती हैं मेक्स इट अ वेरी वेरी बिग पूरे आई आई टी जेई के अंदर सीट्स हैं राइट तो इसमें ट्वेल्व थाउजेंड है तो ट्वेल्व थाउजेंड इज अ वेरी बिग नंबर एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स के बीच में ये बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है इसकी अवेयरनेस लगातार बढ़ती जा रही है पहले ये कुछ ही रीजन में होता था दो हजार सत्रह से ये पूरे इंडिया लेवल पे

इसके बेनिफिट्स फिर बच्चे सोचते हैं कि सर डिफिकल्ट एग्जाम के क्या बेनिफिट्स हैं ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों ये है कि रीडिंग मतलब हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं ना तो वो अपने आप में एक रिवॉर्डिंग चीज है क्यों रिवॉर्डिंग है क्योंकि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बनता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बनता है राइट right? और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड हमें हर जगह हेल्प करता है एक टिपिकल स्टूडेंट जैसे मैं आप लोगों को बात करूं 2014 में मैंने में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था वो बच्चे अभी अ, मतलब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जेई का एग्जाम देने वाले हैं तो उन सब बच्चों का ये कॉमन फीडबैक है कि सर अब जेई की मैथमेटिक्स तो बहुत सिंपल लगती है बहुत सिंपल बहुत ईजिली बच्चे जेई की मैथमेटिक्स को ग्रेस्प कर पाते हैं राइट right? तो इसमें अगर सिलेक्शन नहीं भी होना तो भी इसके लिए पढ़ना अपने आप में एक रिवॉर्डिंग फीचर फिर सेकेंड इट इज फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर लाइक सी एम आई बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है पेरेंट्स के दिमाग में भी होता है कि यार हमें तो मैथमेटिक्स के अंदर करियर बनाना है अब मैथमेटिक्स के अंदर करियर कैसे बनाया जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर करियर बनाने का सबसे सही तरीका है आई एस आई और सी एम आई जो बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया लेवल पे उन आ, उन इंस्टीट्यूट को आ, को टारगेट करने के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें प्री आर एम टाइप के क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंट होने का क्योंकि ये ट्वेल्थ क्लास के अंदर होता है जैसे आई का एग्जाम जेई एडवांस के आसपास ही होता है बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि सर आई का भी एग्जाम होता है और उनको वो जब ट्वेल्थ में आता है तब वो मुझसे पूछता है कि सर इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें बट अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह है कि यार मेरे को मैथमेटिक्स में करियर बनाना है और आईएसआई इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो वो अभी से प्री आर एम ओ की प्रिपरेशन करके अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं फिर आरएमओ पढ़ सकते हैं फिर इनमो पढ़ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो तो है ही सही चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट

इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे मगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलती है इसके बाद इस पे अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैं लार्जर ऑडियंस के लिए मानता हूं वो ये है कि एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिल जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड के लिए जो जेई और इनफैक्ट नीट भी बोल रहा हूँ नीट के अंदर भी सबको पता है रैंक फिजिक्स की वजह से आती है फिजिक्स इज हाईली मैथमेटिकल और वहां पर जो एडवांटेज क्रिएट होता है वो मैथमेटिक्स की वजह से ही होता है राइट सो मैथमेटिक्स इज द बेसिक साइंस राइट सो मैथमेटिक्स वहां पे भी पार्ट प्ले करती है राइट right. सो so, अब देखिए अब मैंने बताया आप लोगों को कि भाई आ, क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट आई हैव डन फॉर दिस विथ पियर्स एन एजुकेशन तो लाइक मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ इसकी भी सो so, पिछले साल मैंने ऑनलाइन uh, पढ़ाया था प्रियारायू एंड अलग आई गॉट वेरी गुड रिव्यूज और तकरीबन 500 प्लस स्टूडेंट्स मेरे कोर्स से uh, मतलब प्रभावित हुए थे और जो चीज मैंने बताई थी ना कि एक ये पेपर बहुत टफ आता है एक्चुअली टफ नहीं आता ये डिफरेंट पेपर आता है बच्चों को उसकी आदत नहीं होती तो उसकी क्या कट ऑफ काफी लो जाती है इस तो गैप को, कि को, तो तो को, को भरना चाहिए तो हम लोगों ने एक बुक के बारे में सोचा जिस बुक के अंदर एनएस के वीपी मतलब एनएससी जे एस स्टार्ट करते हुए प्री आर लेवल तक के क्वेश्चन रखे जाए थिरी रखी जाए Pathfinder for 2020 came into right. so, uh, तो पूरा एक साल इसको लगा पिछले साल हम लोगों ने इसका काम स्टार्ट कर दिया था और टू थाउजेंड नाइनटीन तक अपडेटेड है ये पूरी की पूरी टू थाउजेंड नाइनटीन के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ तक अपडेटेड है तो इसके अंदर क्या क्या है थियरी विद एम्पल अमाउंट ऑफ सॉल्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छे खासे सोल्ड एग्जाम्पल इसके अंदर एक्सरसाइज विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इसके अंदर एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वन जो स्टार्ट होती है और लेवल से फिर, लेवल और फिर तीन के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है तो जो भी बच्चा स्टार्ट करना चाहता है एनएससीज केवीपीआई टारगेट है प्री आर एमओ टारगेट है वो इस बुक को ले सकता है राइट सो अब ये बुक आप कैसे लेंगे देखिए ये आप लोग को क्यू आर कोड दिख रहा होगा अपने यहाँ पे तो इस क्यू आर कोड को स्कैन करके आप लोग सीधे लिंक पे जा सकते हैं यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम दिस क्यू आर कोड ये क्यू आर कोड आप लोग के साथ भी शेयर uh, कर दिया जाएगा या फिर आप लोग स्क्रीन पर ही रहे तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या फिर इसको स्कैन कर सकते हैं वहां पर जाके पीजे लाइव कोड यूज कीजिए आप लोग आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक पर और वो जो भी कॉपीज होंगी इट विल बी साइंड बाई मी विद अ विदलाइज मैसेज एक पर्सनाइज मैसेज आप लोग के लिए होगा तो जो एक ये सोल्यूशन है जो हम लोग देना चाहते हैं लाइक आई वी वॉन्ट इट टू बी कॉम्प्रीहेंसिव ऐसा नहीं कि भाई बस गाइडेंस देके चले गए हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे राइट right? एंड